नमस्कार, दलाल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीरो बजट खेती के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में खेती किसानी को लेकर जीरो बजट खेती को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जीरो बजट खेती से किसानों की आय दोगुनी करने का के लक्ष्य को पाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने इस ऐलान के बाद देश भर में जीरो बजट खेती को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। कृषि कार्यकर्ता, किसान नेता और किसान संगठन इसे एक छलावा मान रहे हैं। जीरो बजट खेती का मतलब किसानों को किसी फसल को उगाने के लिए कर्ज न लेना पड़े। इसके लिए मुख्य फसल जैसे कि रबी की फसल के लिए जो फसल आए उसे उसके बीच में उगाई जाने वाली फसल के जरिए निकासी की जा सके। इस तरह की खेती में कीटनाशक, रासायनिक खाद और हाइब्रिड बीज जैसी किसी भी आधुनिक तरीके का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसी खेती जिसमें सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है, रासायनिक खाद के स्थान पर देसी खाद का इस्तेमाल होता है। यह खाद गाय के गोबर, चने के बेसन, गुड़, मिट्टी तथा पानी से बनती है। वहीं रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर नीम, गोबर और गोमूत्र तथा देसी बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सिंचाई, मराई, जुताई का सारा काम बैलों की मदद से किया जाता है। इसमें किसी प्रकार के डीजल या ईंधन से चलने वाले संसाधनों का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर एक बात जो सबसे दिलचस्प है कि दशकों पहले हमारे पूर्वज जिस प्रकार से खेती के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे, फिर हमें उस युग में ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आज के इस आधुनिक युग में क्या संभव है कि हम फिर 100 साल पुरानी व्यवस्था के सहारे आगे बढ़ने में सफल हो पाएंगे। कहने और सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है जीरो बजट खेती। यहाँ पर खेती की लागत जीरो होगी, संशोधित बीज और खाद का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ट्रैक्टर आदि के स्थान पर जुताई मराई सब बैलों से की जाएगी। क्या आज के इस युग में 125 करोड़ देशवासियों के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए यह पुरानी व्यवस्था सक्षम है?